दोस्तों, आपके फेस में क्या बहुत दिन का पिंपल का निशान रह गया है, या आपके फेस में क्या टैन आया है, या आपके फेस में क्या हाइपर पिगमेंटेशन है जिसके वजह से आपके फेस इतना ही काला दिख रहा है कि आपको अपने मुंह को छुपाना पड़ रहा है, सभी के सामने आप प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे हो, आप सभी के सामने नहीं जा पा रहे हो, बहुत ज़्यादा फाउंडेशन या बहुत ज़्यादा मेकअप करके आपको अपने फेस को कवर करना पड़ता है, आपके फेस का दाग धब्बे को कवर करना पड़ता है, ऐसा परेशानी है, तो फ्रेंड्स आज का ये टिप्स जरूर देखना। ये जो टिप्स बनेगा ये टोटली होममेड होगा, किचन वाला इंग्रेडिएंट से बनेगा और 100% चैलेंजिंग रिजल्ट देता है। ये आपके किसी भी किस्म का दाग धब्बे को मिटाता है, जैसे कि फ्रेंड्स आपके फेस में हाइपर पिगमेंटेशन है, ब्लेमिश है, फ्रिकल्स है, एक्ने का निशान है या कोई काकटे जले का निशान है, तो इन सभी को ये रिमूव करके आपकी स्किन को फिर से फेयर बनाता है, स्किन टोन को लाइटन करते करते दाग धब्बे को फुल रिमूव कर देता है। तो चलिए जान लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इस इतना अच्छा एक रेमेडी को कैसे आप घर पे बना के इस्तेमाल कर सकते हो, इसके बारे में जानना है तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं, सभी को वेलकम करती हूँ स्पेशल क्या वन सेल्फ में, और मैं हूँ आपकी दोस्त शीशा। तो आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक दे, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी कोई ऐसे वीडियो लाऊँ उसके तुरंत बाद आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप मेरे हर वीडियो को फर्स्ट टाइम ही देख पाओ। तो मेरा ऐसा अच्छा अच्छा ब्यूटी टिप्स पाने के लिए भी सब्सक्राइब बटन और बेल बटन को जरूर क्लिक करें, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं मेरे चैनल को उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए जैसे कि मैंने बोला है, सब कुछ आपको किचन वाला इंग्रेडिएंट्स ही लेना है। तो किचन में जो भी रहता है फ्रेंड्स, ज़्यादातर हम लोगों के पेट के लिए तो अच्छा रहता ही है, उसके साथ साथ फेस के लिए, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो इनमें से मैं हम लोग पहले जो लेंगे वो है फ्रेंड्स हल्दी। हल्दी बहुत अच्छा रहता है स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए। तो आपको एक चुटकी पहले हल्दी लेना है। हल्दी जो भी आप ले रहे हो, किचन वाला हो तो ठीक है, पर वो प्योर हो ये आप देख ले, प्योर वाला हल्दी आपको जोड़ना है फ्रेंड्स। प्योर हल्दी यानी फ्रेंड्स जिसमें मिलावट ना हो, तो आप जब भी कोई हल्दी इसमें जोड़ रहे हो प्योर हल्दी जोड़े, या आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो वो भी आप जोड़ सकते हो। तो आपके एक चुटकी हल्दी लेना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स इसके साथ आपको जोड़ना है बेसन। बेसन फ्रेंड्स आपको इसमें जोड़ना है 2 चम्मच। बेसन फ्रेंड्स हम लोगों की स्किन का दाग धब्बे को मिटाता है, स्किन को फेयर और ब्राइट बनाने के लिए हेल्प करता है। चने का बेसन हम लोग इसमें जोड़ेंगे, याद रखें 2 चम्मच आपको चने का बेसन ही यहाँ पे जोड़ना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स इसके साथ आपको जोड़ना है 1 चम्मच लेमन का जूस। लेमन फ्रेंड्स स्किन का किसी भी दाग धब्बे को लाइटन करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। लेमन में बहुत सारा विटामिन सी रहता है, जिसके वजह से फ्रेंड हम लोग की स्किन का दाग धब्बे मिट जाता है, स्किन टोन लाइटन होता है। नेक्स्ट इसके साथ आपको जोड़ना है फ्रेंड्स 1 चम्मच टमाटर का भी जूस। टमाटर का जूस भी आप ले सकते हो, या टमाटर को कद्दूकस के उसका पल्प भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी आप इसमें जोड़ो फ्रेंड्स। टमाटर भी स्किन टोन को लाइटन करने के लिए हेल्प करता है, स्किन का दाग धब्बे को रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। तो आपको इसमें जोड़ना है 1 चम्मच टमाटर का पल्प या जूस। नेक्स्ट फ्रेंड्स इसके साथ आपको जोड़ना है हनी। हनी भी फ्रेंड्स बहुत अच्छा रहता है स्किन के लिए, ये भी स्किन टोन को लाइटन करता है, स्किन को फेयर और ब्राइट बनाने के लिए हेल्प करता है। इसमें बहुत सारा मॉइस्चर भी रहता है, जिसके वजह से हम लोग स्किन का बैलेंस रहता है, स्किन में जो मॉइस्चर है उसको लॉक करता है। तो नेक्स्ट इसके बाद हम लोग इसके साथ जोड़ेंगे 1 चम्मच चीनी। चीनी जो आप लोगे यानी शुगर, वो थोड़ा छोटा दाने का हो ऐसा चीनी आप इसमें जोड़े तो अच्छा है, या आप बड़े दाने का चीनी को ग्राइंडर में पीस के थोड़ा हल्का क्रश कर ले और उसके बाद इसे ले लें 1 चम्मच। फिर चीनी में रहता है बहुत मात्रा में नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज, जो आपके स्किन को ब्लीच करेगा। इसमें रहता है नेचुरल सोडा, जो आपकी स्किन का दाग धब्बे को रिमूव करने के लिए हेल्प करेगा, और उसके साथ फ्रेंड्स ये एक स्क्रबर का भी काम करेगा, ताकि आपके स्किन में ऊपर में जो डेप्सिल आया है उसको ये रिमूव करने में हेल्प करेगा।
तो इसी वजह से हम लोग उसमें चीनी जोड़ेंगे। ये जो भी मैंने बोला इन सभी को अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के टाइम आपको इसमें ये जो पैक है ये थोड़ा पतला दिखे तो इसमें बेसन थोड़ा और आप जोड़ सकते हैं, और ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है तो फिर इसमें आप थोड़ा और टमाटर का जूस जोड़ सकते हो। तो इसके बाद इन सभी को अच्छे से मिक्स करके एक ठीक पैक बना लें। तो इस पैक को अभी अपने फेस में लगाना है। कैसे लगाना है फ्रेंड्स, इसे लगाने से पहले आपको फेस को अच्छे से धो लेना है, फुल क्लीन फेस में इसे लगाना है। और याद रखें इसे आप धूप में जाने से पहले मत लगाएं, धूप से रिटर्न आने के बाद ही इस फेस पैक को लगाना है। ऐसा नहीं है कि फेस पैक लगाने के बाद आप धूप जाते जाओगे, ऐसा मत करो। जब भी आप फेस पैक लगाओगे तब घर पे जब आप रहते हो या धूप से रिटर्न आके जब घर पे आते हो तभी इसे लगाओ, अपने फेस को क्लीन करके फिर लगाओ। तो इसे कैसे लगाना है, आँखों के चारों तरफ छोड़ के और होंठ को छोड़ के आपको फुल फेस में इसे लगा लेना है। और जहाँ पे भी आपका दाग धब्बे हैं आप वहाँ का दाग धब्बे पहले मिटाना चाहते हो तो फिर वहाँ पर पहले लगाओ। मतलब कुछ दिन वहाँ पे लगाने के बाद जब आपके फेस का दाग धब्बा फुल रिमूव हो जाएगा उसके बाद से आप फुल फेस में लगा सकते हो। फुल फेस में लगाने से क्या होगा, आपके पूरा फुल फेस का स्किन फेयर होते जाएगा, आपका स्किन टोन लाइटन होते जाएगा। पहले दाग धब्बे को मिटाना है आपको, क्योंकि दाग धब्बा के साथ साथ आप फुल फेस में भी लगा लेते हो तो क्या होगा, आपके स्किन भी लाइट होने लगेगा और आपके दाग भी लाइट होने लगेगा, तो आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा। पर आपके आप अलग अलग से लगाते हो तो फ्रेंड्स पहले आपके दाग धब्बे मिट के आपकी स्किन कलर जैसे बनेंगे और उसके बाद आपकी स्किन टोन लाइटन होके आपकी स्किन फेयरर बनेगा। दोनों में से कोई भी कर सकते हो, जिनको जो मर्जी जो चाहते हो, फुल फेस को फेयर और ब्राइट बनाना, स्किन टोन को लाइट बनाना, तो फुल फेस में लगाओ आँखों के चारों तरफ छोड़ के और होंठ को छोड़ के। और जो लोग सिर्फ दाग धब्बे मिटाना चाहते हो वो लोग दाग धब्बे के ऊपर ही इसे लगाओ। इसे लगा के आपको कम से कम 20 मिनट अपने फेस में लगा हुआ रखना है और उसके बाद नॉर्मल पानी से फेस को धो लेना है। ऐसा आप हफ्ते में 5 दिन जरूर करो। और 5 दिन जिनका भी बहुत ज़्यादा दाग धब्बे है 5 दिन करो, और जो लोग सिर्फ अपने कॉम्प्लेक्शन को फेयरर बनाना चाहते हो, स्किन टोन को लाइटर बनाना चाहते हो, वो हफ्ते में इसे 3 दिन लगा सकते हो। इसे लगाने के बाद धोने के बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हो जो आप इस्तेमाल करते हो, तो उसे लगा लो। जब भी आप धो लोगे आपके फेस को तुरंत ही आप देख पाओगे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रही है, क्लीन लग रहे हैं, स्किन टोन लाइट भी हुए हैं और जो दाग धब्बा है वो भी हल्का दिखेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा दाग धब्बा है यानी बहुत इनका पुराना हाइपर पिगमेंटेशन है, बहुत पुराना आपके फेस में पिंपल के निशान है, तो वो धीरे धीरे जाएंगे तो पहले दिन ही आप नहीं देख पाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि वो लाइटन अप हुआ है। पर इसे आप कंटिन्यू करोगे तो कुछ दिन बाद देखोगे धीरे धीरे वो लाइटन होते होते फुल क्लीन हो गया है, आपके फेस का दाग धब्बे फुल रिमूव हो गया है। तो फ्रेंड्स ये था आज का टिप्स, इसे ज़रूर इस्तेमाल करना। जिनके भी ये सब परेशानी है वो लोग इसे ज़रूर इस्तेमाल करना। तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं फिर रिटर्न आऊँगी कोई अच्छा सा ब्यूटी टिप्स या हेल्थ टिप्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।